हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। 20वां मील से बहादुरगढ़ जाने वाले स्टेट हाईवे की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। भारी जल जमावों के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो चुके हैं। पानी जमा होने के कारण न सिर्फ ग्रामीण परेशान है बल्कि वाहन चालक भी रोजाना हादसों के शिकार हो रहे हैं। बावजूद इससे कोई समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और वाहन चालकों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए सीएम से एक नाव देने की मांग की है ताकि सड़क पार कर सके, क्योंकि सड़क का सुधार करवाने के सारी कोशिशें क्योंकि फेल नजर आ रही है। लोगों की माने तो यह सड़क एक दर्जन से ज्यादा गांवों को दिल्ली अंबाला हाईवे से जोड़ती है, बावजूद इसके सड़क पर तालाब की तरफ पानी जमा रहता है। ये बहादुरगढ़ है और मतलब बहुत ही वेस्ट रोड आप देख रहे हो, यहाँ पे नगर निगम भी लगता है, टोल टैक्स भी लगते हैं, लेकिन फिर भी रोड की हालत देख लो, चलने की हालत नहीं है बाइक वालों की, तो गाड़ी वालों की भी नहीं है, गाड़ी बीच में टिक जाया है, टोल टैक्स भी लिया जा। रोड के हालात इतने खराब हैं, आदमी यहाँ चल नहीं सकता, पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं कई साल से, रोड के हालात बहुत ही खराब है, आदमी जा नहीं सकता। जठेड़ी गांव से 20 मील पर आने का जी नहीं करता आदमी को। केरा इंडस्ट्री एरिया का वो है और बहादुरगढ़ हाईवे है जी, पानी की निकासी नहीं है और इस रोड का टोल टैक्स भी लिया जा रहा है और यहाँ लोगों की दुकानें हैं, दुकानों में दलक जाती है जो भारी गाड़ी जाती है और कम से कम 2-2 फुट पानी भरा है रोड पर जी, कोई सुनवाई नहीं जी, 3 साल से लोग परेशान हो रहे।